नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कमाल के वीडियो में, जहां पे मैं बात करने वाला हूं एक्सिस बैंक के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं और आपका अकाउंट भी एक्सिस बैंक में है, और अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं भी है और आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का सिद्ध होने वाला है। शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो एक्चुअल में सबसे पहले पर्पस बताना चाहूंगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पर्पस है क्या। दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से, आप हर महीने 500, 1000, 1500, 2000, 3000 या 5000 रुपये तक सेव कर सकते हैं, तो ज़रूर से पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप शादी करना चाहते हैं अपने बेटे की बेटी की शादी के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई मकान बनाना या फिर कोई ड्रीम कार खरीदना, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पर इसी वीडियो के साथ साथ मैं लेकर के चलूँगा आपको एक कैलकुलेटर पर, जहाँ पर मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस कैलकुलेट करके भी बताऊँगा कि कितने पैसे जमा कराने पर आपको कितना पैसा मिल सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कोई भी इंडियन यहां पे एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे मिनिमम कितना पैसा आप जमा करा सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, वो रहेगा 500 रुपये, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट रेट कैपिटल के बारे में, अगर मैं बात करूं तो यहां पे 7.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैं कहीं से देख करके नहीं बता रहा हूं, मैं एक्सिस बैंक की डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर हूं अभी इस टाइम पे, और वहीं से मैं देख करके सारी की सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ। एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंक के तौर पे आपको यहाँ पे 500 रुपये मिनिमम से अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है, जिसके ऊपर आपको 1.5 लाख रुपये फाइनेंशियल ईयर के अंदर जमा करा सकते हैं, मैक्सिमम पैसा 1.5 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ, एक साल के अंदर सिर्फ 12 इंस्टॉलमेंट आप भर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई मेडिकल इमरजेंसी, शादी के कारण या फिर किसी दूसरे कारण की वजह से अगर किसी महीने की इंस्टॉलमेंट स्किप हो जाती है, तो वो आप अगले महीने में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी वरीड नहीं है और कोई भी आपको इसके लिए इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सिस बैंक के अंदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करने के लिए, तो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत नॉर्मल है, जिसके अंदर आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए होगा। दोस्तों, इसके अलावा अप्लाई करने का भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ या तो आप ब्रांच में जाकर के विजिट कर सकते हैं जो कि एक्सिस बैंक की डायरेक्ट ब्रांच हो, या फिर डायरेक्टली जाकर के एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं लेकर के चलता हूं कैलकुलेटर पे, जहां पे मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। लेट सपोज आपने 500 रुपये जमा कराए, जिसके ऊपर 7.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया, और यहां पे पूरा पैसा आपने कितना जमा कराया, पूरा पैसा किया आपने 90,000 जमा, जिसके ऊपर आपको 78,567.50 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट गेन कर लिया आपने। टोटल मैच्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो 1,68,567.50 आपको देखने को मिलता है पूरी मैच्योरिटी का। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिपोर्ट्स के बारे में, तो रिपोर्ट्स ये बताती है कि पहले साल के अंदर आपने जो इंटरेस्ट गेन किया वो है 256.75 पैसा। इसके अलावा अगर दूसरे साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाता है आपका। वो ट्रिपल किस तरीके से होता है, आप यहाँ पे टोटल जो पैसा आपने गेन किया दूसरे साल के अंदर, वो गेन करेंगे आप यहाँ पे 751.03 पैसा। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, तो ग्राफ ये कहता है 53.39% मैंने पैसा टोटल पे किया है, जो कि रेड वाला पोर्शन है, और 46.61% पैसा मैंने यहाँ पे अर्न किया है, टोटल जो पैसा मैंने यहाँ पे अर्न किया है टोटल। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जमा कराते हैं 500 रुपये की जगह पे 1500 रुपये महीना, उसकी भी कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। अगर आप 1500 रुपये जमा करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने टोटल पैसा पे किया 2,70,000 रुपये, जिसके ऊपर आपको 2,35,702.59 रुपये का टोटल आपको मिल गया इंटरेस्ट। इसके अलावा दोस्तों टोटल मैच्योरिटी आपकी जो हो जाती है वो हो जाती है 5 लाख
5,702 रुपये और 59 पैसे की, जो कि आपको 15 साल के अंदर डिस्बर्स कर दी जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी अलग अलग बैंकों की। किसी भी बैंक में जाकर के पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट है और एक्सिस बैंक के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प साबित होने वाला है। दोस्तों, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पे हमने बैंकिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।